जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, पूरा मैकेनिज्म स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्या है, कैसी है, इसमें कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पे क्या एक्ट करना है, मोशन क्या होता है, मोशन कहाँ पे जाके एक्सपायर्ड हो जाता है, कहाँ पे सेलिंग और बाइंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी हो जाती है, डिमांड सप्लाई के पर्सपेक्टिव से स्विंग में क्या उसका आउटपुट देखना है, तो इस पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हमने दी है और ऑसम तरीके से इस वीडियो को डिजाइन किया है। इसको देखने के बाद में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग में सर आप अपना एक वीडियो बना के डालो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, 10 से 15 टॉपिक जो है तो पेंडिंग में है, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे आएंगे, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। दोस्तों इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में हम पूरा क्लियरली आपको जो चीजें बता रहे हैं मेंशन किए हैं। जाइए इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कॉन्फ्लिक्ट इसमें दूर जाएगा कि स्विंग का पूरा एक्चुअल में सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और आपको फुल्ली समझाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्विंग ट्रेडिंग संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं जो उसको देखने के बाद में उस सब्जेक्ट से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना ना पड़े, उसी उद्देश्य के हिसाब से हम टॉपिक को डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और फुल्ली वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अभी लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे अच्छा फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल में ले जाऊंगा, जैसे कि आप लोग हर वीडियो में देखते हो। दोस्तों मेरा मानना यह है कि क्लियरिटी इज पावर, ठीक है। जितना टॉपिक क्लियर होगा, जितना माइंडसेट आपके माइंड में अच्छी चीजें चली जाएंगी, तो वही जो इनपुट अभी जाएगा वही मार्केट में आपके आगे निकलेगा। तो इसलिए क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो हम वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि आपको हर तरीके से समझा पाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग का मतलब एक झूले से लिया गया है, ठीक है। झूला, स्विंग मतलब झूला। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे कि होता है बुलिस यानी कि बुल, तो ये भी एक सिंबल है, और ये बेरिस यानी कि ये भालू वाला भी एक सिंबल है। तो ये बुलिस मतलब ऊपर जाएगा और बेरिस मतलब भालू जो है अटैक नीचे की तरफ करता है। तो ये लोग आप जानते होंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिंबल पे आधारित होती हैं चीज़ें, उनका नाम दे दिया जाता है। तो स्विंग का अर्थ जो है झूले से लिया गया है। अब झूले से क्यों लिया गया इसको पहले हम समझाते हैं, फिर आपको हम मार्केट पर्सपेक्टिव से समझाएंगे कि इसमें आपको कैसे क्या देखना है, क्या ट्राई। इसके मैकेनिज्म को झूले से क्यों लिया गया है वो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब ने बचपन में झूला झूला ही होगा, और मैं तो बाद में भी झूला हूँ। बहुत सारे लोग झूलते ही होंगे कि डाल पे ऐसे हम लोग रस्सी या टायर को बांध देते थे। तो उसमें क्या मैकेनिज्म काम करता था कि दो यहाँ पे पॉइंट होते थे जिसमें रस्सी या टायर को बांध दिया जाता था मजबूती से, और उसके बाद में एक लकड़ी के पट्टे से उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता था, और इस तरह से वो पट्टा होता था, शायद आप लोग को याद होगा। तो इसमें क्या, देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता था, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ क्या है मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगी जब अभी हम आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें दो केंद्र इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक तो ये वाला पॉइंट। अब इसमें मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे एस होता है और किसी का नाम मान लीजिए कि यहाँ पे बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग मिलके इसको मान लीजिए चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि मोशन, ठीक है, दूसरा ये कि पावर, तीसरा ये स्ट्रेंथ, ठीक है, इस मैकेनिज्म में। अब मान लीजिए कि क्या है मोशन, पावर और स्ट्रेंथ। देखिए मोशन कहते हैं गति को, तो गति किस तरफ होगी, तो जैसे मान लीजिए कि पहले ये स्टार्ट करता है पैर इधर को मारता है, तो आप समझेंगे कि जो ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट अपसाइड में जाएगा जब मोशन होगा, और ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं पे ये जाएगा, वहाँ से क्या होगा कि क्विकली वहीं पे जहाँ पे इसका मोशन और इसकी पावर दोनों चीज़ें जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जो है एक्सपायर्ड हो जाती है वहीं से ये तुरंत घूम जाएगा। अब घूम के जैसे ही आएगा वहाँ पे जो ये वाला बंदा है, जैसे ही इसके फेवर में आएगा तो ये वाला बंदा इस पर अटैक करेगा और ये मोशन इस तरफ करेगा, ठीक है, उधर साइड में मोशन करेगा, और जब इधर साइड में मोशन करेगा तो ऑटोमेटिक ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। फिर उधर साइड से ये टर्न लेगा जहाँ पे इसका मोशन और इसकी स्ट्रेंथ एक्सपायर हो जाएगी, फिर वहाँ से टर्न लेगा, तो इस तरह से एक पॉइंट पे जाएगा। तो इसमें देखिए क्या झूले से इसमें संबंध क्या है कि इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। मैं थोड़ा अच्छे से ड्रा कर देता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रा कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए। देखिए इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, एक तो ये कि जो मोशन है, जो गति है वो चीज़, और गति के बाद में एक होता है रिवर्सल। जैसे कि मान लीजिए इसने यहाँ से पैक दिया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे गया, तो जहाँ पे उसकी मोशन यानी उसकी जो स्ट्रेंथ एक्सपायर्ड होगी तो वहाँ से नेसेसरी वो लौटेगा। तो जब वो लौटेगा तो ये वाला उस पर एक्ट करेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म है। तो जब ये वाला एक्ट करेगा तो ये वापस एक लोएस्ट पॉइंट से एक हाइएस्ट पॉइंट तक जाएगा। इसी
तरीके से जहाँ पे यहाँ पे मोशन एक्सपायर्ड होगा वहाँ से ये लौटेगा। तो इन मार्केट परस्पेक्टिव अभी हम आप बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, वो है लौटना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मोशन एक्सपायर्ड हो गया तो वहाँ से लौटेगी। ट्रेडिंग में यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ से घूमेगा, क्योंकि ये जेन्युइन है। फिर अगर ये चीज़ एक्सपायर्ड हो गई और ये लौट गया तो यहाँ पे फिर सेलर अटैक करेंगे ना, तो वही चीज़ आगे हम समझाएंगे। तो इसलिए इसको झूले से जोड़ा गया है इस बात को कि ये स्विंग ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। अब देखिए मार्केट पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको हम समझाएंगे कि आगे आपको कैसे इसको समझना। अब हम आपको समझाते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को कैसे पहचानना है, और जैसे कि अभी हमने बोला ना कि मार्केट पर्सपेक्टिव में कैसे आपको समझना है, तो जैसे झूले की एग्जांपल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो लौटता है दोनों तरफ से, तो इसी तरह मार्केट में भी ये ध्यान आपको रखना है कि वो लौटता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि मोशन और जो हमने बताया उसका क्या मतलब। मान लीजिए मार्केट भागी और इसमें क्या हुआ कि एक मोशन यानी कि एक वेग, एक गति हुई और ये ऊपर गई और यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गई, यहाँ पे इसकी जो गति है रुक गई। तो अब क्या होगा, अब वही होगा कि ये गिरेगा, और जब ये गिरेगा तब फिर क्या होगा, जैसे झूले में बी वाला क्या करता है कि वो भी पैग मारता है ना उल्टा जाने के लिए, तो यहाँ से ये पैग मारेगा यानी कि सेलर यहाँ पे अटैक करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि गिरना इंपॉर्टेंट है, तो हम फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। और उसी तरह से नीचे पर्सपेक्टिव में क्या है कि अगर मान लीजिए गई और जहाँ पे ये इसकी जो है इसकी गति एक्सपायर्ड हो गई और वहाँ से ये टर्न लेती है, तो यहाँ पे अगर मोशन होता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इसको देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग और इसमें स्विंग ट्रेडिंग में एक बहुत बारीक डिफरेंट है जो शायद बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, उसको मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में इतनी बड़ी बारीकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही लोगों को कन्फ्यूज कर देती है। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होती है, अब यहाँ पे आप देखो ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, बाय किया। रेजिस्टेंस में क्या होगा, नीचे से ऊपर भागा, रेजिस्टेंस लिया, रिटेस्ट किया, सेल किया। लेकिन स्विंग में ऐसा नहीं होता है। देखिए स्विंग में क्या होता है, बारीकी की ये ऊपर गया तो जहाँ से ये टर्न होगा यहीं पे हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं है, ठीक है, ध्यान देना इस बारीकी को। उसके बाद में नीचे क्या होगा कि जहाँ से नीचे से टर्न होगा वहाँ से ही हम ट्रेड करेंगे और वहाँ से ही हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सपोर्ट का ही मतलब ही यही है कि भाई सपोर्ट ले ले, सीधी सी बात है। तो इसको आप शब्दों की बारीकी से भी समझो ना, और ऊपर जाए, रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोध, जहाँ पे वो टकरा जाए फिर नीचे जाए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका मतलब ये है कि जहाँ से वो हाइएस्ट पॉइंट के वेग से टर्न हो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड में हम उल्टा रिट्रेसमेंट पे, उल्टा रिजेक्शन पे यहाँ पे हमें सेल साइड करना है। इसका मतलब ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में यही चीज ध्यान देनी है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अगर ये ऊपर जाकर के इधर से टर्न होती है तो यहाँ पे सेल करेंगे, और ये ऊपर जाकर के इधर से टर्न होती है तो यहाँ पे सेल करेंगे। अब ये बॉटम से जब ऊपर इधर जाती है तो यहाँ बाय कर सकते हैं, बॉटम से ऊपर यहाँ पे जाती है तो यहाँ बाय कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग और इसमें जो एक बारीक डिफरेंट था वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये कन्फ्यूज कर देता है लोगों को, क्योंकि वो देखते हैं कि स्विंग में क्या सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, तो ऐसा मैटर इसमें नहीं है, क्योंकि ये उसी रिट्रेसमेंट बेग के हिसाब से चलता है ना। इसमें एक बेग होगा उसका रिट्रेसमेंट होगा, उसका बेग होगा उसका रिट्रेसमेंट होगा, तो उस हिसाब से इसको ऑब्जर्व करना है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि मार्केट परस्पेक्टिव में कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करें। अभी तक जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में चार्ट में आपको कैसे पहचान करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है। आप निफ्टी में जाएंगे, निफ्टी 50 में, तो 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। बैंक निफ्टी में जाएंगे तो भी 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा छोटा कैंडल यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात है, इसके बड़े टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट, एक घंटा, एक दिन। एक दिन में भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, वो भी कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे कि मार्केट दो चार दिन आगे आगे चलती है, बुलिश या फिर बेरिश चलती है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया उसको कैसे आपको ध्यान देना है और एंट्री लेनी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कन्फ्यूज नहीं होना है, वो दो तीन चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर कराते हैं। तो इसमें देखिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन आप देख लीजिए बुलिश है। अब बुलिश कंडीशन में होगा तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि ऊपर जाएगा नीचे इस तरह से चलेगा, लेकिन स्विंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और कहां पे एंट्री बनेगी वो चीज यहां पे हम आपको समझा। तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया ना कि स्विंग का मैकेनिज्म क्या है कि मोशन, और मोशन उसके बाद ऊपर जाकर एक्सपायर हो जाना, एक्सपायर होने के बाद में रिट्रेसमेंट लेना, और उसके बाद में एक नया जो है गति क्रिएट करना। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है मार्केट पर्सपेक्टिव में कि जहाँ पे मोशन एक्सपायर्ड हो जाता है उसके बाद में जब लौटेगी तो फिर क्या होगा कि जो लोग हैं, क्योंकि जब जाने की उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है और वापस आ रही है, तो उसमें अगर और प्रेशर दिया जाएगा तो और गिरेगी। तो हमें इसी पार्ट का फायदा उठाना है, हमें इसी पार्ट का, दोनों साइड में बस इस पार्ट का फायदा उठाना है। और थोड़ी सी यहाँ पे हमें क्लियरिटी भी चाहिए कि जो हम एंट्री लें तो वो हमारी शार्प एंट्री होनी चाहिए।
तो उसके लिए हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पे समझिए इस कैंडल को देखिए तो सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। बाकी ये बुलिस है, ये बुलिस है, ये बुलिस है। आप निफ्टी 50 में इसको ट्रैक करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए डिमांड क्रिएट हुई, ठीक है। तो जब डिमांड क्रिएट हो गई उसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं आई तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। अब कहाँ तक ऊपर जाएगी तो ये अनुमान ये होता है कि अगर भाई बुलिश ट्रेंड है तो इसके हायर हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन एक एक बात को आपको अच्छे से रीड करना है क्योंकि क्लियरिटी इज पावर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया, इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको डिजिटल लाइन और पढ़ाई थी प्रॉक्सिमल लाइन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा आउटर एरिया जहां के बाद प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा, जहां पे उसकी वैलिडिटी, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ या जहां पे उसका मोशन एक्सपायर्ड होता है, उसी को बोलते हैं डिजिटल लाइन। तो डिजिटल लाइन इसमें क्या होगी, ये ध्यान रखना मेरी बात को। और उसके बाद में ये चीज़ देखिए आप ध्यान से, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अब बायर नहीं जाएंगे। यहां पे जो है इसकी मोशन है एक्सपायर्ड हो गई, स्विंग की जो गति है एक्सपायर्ड हो गई है। अब सेलिंग में कब जाएगी, जब यहां पे सेलिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जैसे ही ये प्रॉक्सिमल लाइन है नीचे वाली, इसके अंदर अगर कोई कैंडल आ जाती है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है, तो नेचुरली यहाँ पे सेलर अटैक करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट ये है कि इसके अपोजिट ये नीचे साइड में काम करेगा। तो हमारा सेलिंग क्या होगा कि इस लाइन को, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इसके ब्रेकआउट को या इसके नीचे क्लोजिंग को। अब इसमें थोड़ा बड़ी क्लोजिंग हो गई है तो भाई अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। अगर मान लीजिए इस तरह सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हो, बशर्ते आपका स्टॉप लॉस यहाँ, सॉरी आपका स्टॉप लॉस सबसे हायर हाई पे होगा तो आपको ट्रेड यहाँ ब्रेकआउट या उस हिसाब से प्लान करना होगा। अगर मान लीजिए इस तरह कैंडल बन जाती नहीं समझ में आ रहा तो इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और जरूरी भी है क्योंकि देखो ऐसी सिचुएशन आएंगी और भी अनेक तरह की सिचुएशन आएंगी, तो आपको हर तरह की चीजों को समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा एंट्री दिखा देता हूँ। तो दूसरा जैसे इस तरह से, जैसे जब भी ये बीच बीच में चलेगी, इसके बीच में कुछ होगा तो नहीं, जैसे ही मान लीजिए जहां पे इसकी जो नीचे साइड में मोशन एक्सपायर्ड हो जाता है, जैसे ऊपर साइड में, तो इसमें भी एक लाइन बनेगी नीचे जो बनेगी उसको बोलेंगे डिजिटल लाइन, आउटर लाइन, और इनर लाइन होगी उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। तो इसमें पहचान ये करना कि सबसे लोअर लो क्या है, तो इसमें सबसे लोअर लो देखा जाए तो इस वाली ग्रीन का है, ठीक है। तो ये कैंडल में देखिए डिमांड भी क्रिएट हो गई और इसकी जो इनर लाइन थी, इनर लाइन यानी कि जो प्रॉक्सिमल लाइन थी, उसके जैसे ही अंदर आएगा तो यहां पे बायर अटैक करेंगे। तो स्विंग का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस से नहीं है, स्विंग का मतलब ये है उस टर्निंग पॉइंट से जहां से उसकी जो मोशन है एक्सपायर्ड होती है और उसका लौटना ही उसका फायदा उठाया जाता है, चाहे वो नीचे प्रोस्पेक्टिव में हो, चाहे वो डाउन साइड में हो, चाहे वो अपसाइड में हो। तीसरा यहां पे आपको ये नोटिस करना है कि जैसे इस तरह से जब जाएगा तो इसका हायर हाई लगा सकता है, क्योंकि जो ये सेलर, जो ये सेलिंग में जो बैठे होंगे उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, तो ये ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। अगर ये प्रीवियस से अपना हाई तोड़ देता है तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि देखो जब हाई तोड़ेगा तो इसमें जितने बायर और आने होंगे उतने आ जाएंगे, फिर उसके बाद में और इसकी अच्छे से जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपायर्ड हो जाएगी, अब नए बार कैसे आएंगे ना। तो इसका मतलब है कि अब गिरेगा तो और मजा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर वो हायर या लो के टर्न होता है तो ये और अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए जैसे बुलिश ट्रेंड था तो इसलिए यहाँ पे नहीं गया, अब यहाँ पे जैसे नीचे आया यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए सेकंड कैंडल में सप्लाई इंजेक्ट हो गई। तो आपको क्या करना है कि भाई जो ये आउटर लाइन है यानी कि जो डिजिटल लाइन है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड लेना है। हालांकि मैं 15 मिनट की कैंडल लगाया हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आपने को ये बस फाइंड आउट करना कि सप्लाई इंजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद डिमांड नहीं आएगी, और अगर वो अपने डिजिटल लाइन को नहीं तोड़ता है, ऊपर नहीं जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपको वेट करना है और अपना जो भी एक निश्चित टारगेट ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन बन गई तो ये इसके हायर हाई को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अगर हायर हाई को इसके तोड़ देगी, ये मैं यहाँ पे ध्यान से दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग को डाउट होगा, देखिए यहाँ पे इसके हायर हाई को तोड़ा नहीं है, हाँ हालांकि यहाँ पे गई है। कई केसेस में क्या होगा कि ऊपर जाएगी, तो ये 15 मिनट की कैंडल है तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सपोर्ट हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। ये देखो यहाँ पे फिर 15 मिनट में यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गई, तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब एक डिमांड क्रिएट हो गई तो आप इस वाले के लिए क्यों वेट करोगे। तो ये चीज़ें आपको बारीकी से ध्यान देना, अगर डिमांड यहाँ पे नहीं क्रिएट होती है तो अपना सही था, जैसे इसमें कोई सेल की जो है सप्लाई नहीं क्रिएट हुई तो सही है, इसमें बाय कोई नहीं आया तो सही है, इसमें आ गया तो यहाँ पे आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए उसके बाद में हमारी जो एंट्री है यहाँ पे बनी, क्योंकि ये फिर बुलिश ट्रेंड में है तो यहाँ पे इस कैंडल के फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन को भी देख सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ाया ना कि जैसे डिसिमिलर और जैसे हमने पढ़ाया ना डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइन, तो डिजिटल लाइन ये हो गई, इसकी प्रॉक्सिमल लाइन ये हो गई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना, उस पर जाना, तो इसका मतलब बायर आएंगे। अब आप लोगों की गलती ज्यादातर क्या हो जाती है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं इसके ऊपर बाय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बाय अच्छा है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ट्रैपिंग होगी, रिवर्सल बार बनेगा, कंसोलिडेट होगा, गिरेगा, सबको न्यूट्रल करेगा, फिर भागेगा। तो आप ये उम्मीद मत लगाओ कि जब सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग जाएंगे उसके साथ में, क्योंकि वो नहीं जाने वाली ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि एंट्री सही जगह पे होगी तो जहां पे सब लोग कर रहे होंगे काम, वहां पे आपका बहुत ही बड़ा
प्रॉफिट दिख रहा होगा आपके पीएनएल में, तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना है। उसके बाद देखिए जैसे एक हायर हाई को तोड़ता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो जितना भी स्विंग ऊपर जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या है जैसे, तो देखिए आप खुद ही सोचिए इसका सिद्धांत कैसे काम करता है। मान लीजिए कि यहां से एक मोशन उठा और ये मोशन यहीं तक गया, तो इसका मतलब इसका रिवर्स भी तो छोटा सा होगा, लेकिन अगर मोशन बहुत ज्यादा हो गया और उसके बाद में रिवर्स हुआ तो रिवर्स भी बहुत ज्यादा होगा ना। तो देखिए मार्केट दो फॉर्म में चलती है, एक तो ये कि वो अगर बहुत ज्यादा भागी और वहां से रिवर्स ली तो अचानक बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो यानी कि जैसे ही वहां पे उसका मोशन एक्सपायर्ड हुआ, जैसे सप्लाई इंजेक्ट हुई, मार्केट आराम से गिर गई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अगर वो हायर हाई जाता है तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि वहां से रिट्रेस मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको देके जाएगा, बस ये चीज ध्यान देना। उसके बाद में आप देखो कि इस तरीके से मार्केट में जैसे यहाँ पे देखिए कितनी जबरदस्त सप्लाई इंजेक्ट हो गई। अब ये देखिए बायर को टोपी पहना जा रहा, तो कैंडल फॉर्मेशन से आप देख लो। अब इसमें देखिए क्या हो गया, इसका जो लाइन है सबसे हाई ये लाइन है, ठीक है, उसके बाद में इसका जो इनर लाइन ये है। अब उस इनर लाइन के नीचे आ गया, प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे आ गया, तो इसमें बाय के एक्सपेक्टेशंस क्यों करते हो? देखो कहीं पे उल्टा नहीं चल रही मार्केट। अब आप सोचोगे कि ये स्क्रीनशॉट हम ऐसा दिखा रहे हैं, तो देखो स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि हम एक जगह कंडीशन लेंगे, मार्केट में से थोड़ी डिफरेंट कंडीशन बनेंगी। वही तो मैं मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग हर कंडीशन को समझ जाओ, ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है। तो आप खुद ही सोचो इसमें कोई बाय वाली प्रोबेबिलिटी बनी नहीं, क्योंकि सप्लाई इंजेक्ट हो गई, सप्लाई इंजेक्ट हो गई, सप्लाई इंजेक्ट हो गई, उसके अगेंस्ट डिमांड कहां पे अच्छे से इंजेक्ट हुई है, वो यहां पे इंजेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहां पे डिमांड इंजेक्ट हो गई और यहां पे क्या होगा कि जब अब बाय करोगे तो इसके हायर हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये वाले सेलर अब मरेंगे उसके ऊपर, इनका स्टॉप लॉस तो यहां लगा है ना, तो मार्केट में हमेशा वहीं तक जाएगी। ये आपने सुना भी होगा कि यार जैसे जहां तक मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं मार्केट वहीं तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जहां स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप कहां स्टॉप लॉस लगाओगे भाई, इस वाले एरिया में सेल करके आप इससे बड़ा स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? तो इसका मतलब आपका नहीं सबका स्टॉप लॉस जाएगा, जो भी वेट करेगा तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि अगर सेल करो तो जहां पर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो वहां पर फिर आप सप्लाई की तरफ क्यों उम्मीद लगाओ कि सप्लाई, जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो वो मार्केट गिरेगी नहीं, तो सिद्धांत पे काम। दूसरी बात इसमें ये है कि इस पूरे जो सिद्धांत को थोड़ा सा जो इसका प्रेजेंटेशन है अपने यहाँ, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे भी इसको एक कॉमेडी टाइप में प्रेजेंट किया जाता है, मार्केट के शोज हो गए, कुछ ऐसे मेंटोर हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं होती है ना। आप ज्यादातर देखोगे कि लोग पैसा देते जाते हैं हंसते हैं, तो मुझे तो लगता है भैया अगर हंसना ही है तो कॉमेडी शो देख लो, क्योंकि देखो मार्केट एक सीरियस कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, इसमें आपको जूझने वाली बात है और उसके देखो लाखों लोगों के दिमाग को पढ़ने वाली बात है, हर चीज को सेंस करने वाली बात है ना। तो मेंटोर भी वहां पे वही चीज दे रहे हैं, ऑडियंस भी सोच रही है हंस हंस के कि चलो देखा कुछ पैसा दिया, कुछ खुशी तो आई जिंदगी में, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे हम एक अनदर सिचुएशन समझा देते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का यहाँ पे जो लिया है ये, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको इस तरह से देखना है। अब देखिए कुछ बीच बीच में फॉल कॉल होंगे तो उसके हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सारी चीजें समझ लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ करके दिखा देता हूँ, और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ कि देखिए स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई लो 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 लो, ठीक है। एक स्विंग होता है ऊपर की तरफ, इसमें मोशन एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर जितनी स्ट्रेंथ होती नीचे आता है, फिर उसका मोशन एक्सपायर्ड हो जाता है, तो इस तरह स्विंग कर रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो इसमें भी क्या हुआ कि कुछ कॉल आपकी गलत भी होंगी कुछ सही होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले पाते हो। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि जो भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस लेवल है, इस तरीके से मैं लगा के आपको क्लियर कर देता हूँ टॉपिक को, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन है, अब ये सब तो आप लगाओगे ना, तो स्विंग का क्या है कि और क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन आपको देखो प्योर ट्रेडिंग क्या है, देखो इसके ऊपर गया तो यहाँ पे प्योर ट्रेडिंग बनेगी, स्विंग ट्रेडिंग क्या है तो यहाँ पे भी बन सकती थी, यहाँ पे भी बाइंग की बन सकती थी, यहाँ पे जैसे हमने बताया ना कि सेल पे बन सकती थी, यहाँ पे सेल पे बन सकती थी, जहाँ जहाँ सप्लाई इंजेक्ट हो रही है, जहाँ जहाँ देखो इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ऊपर ही भागा तो इसका मोशन एक्सपायर्ड हो गया, तो यहाँ पे देखो जैसे कल टॉपिक पढ़ाया था ना, सप्लाई इंजेक्ट हो गई तो फिर बायर नहीं आने वाले। अब स्ट्रांगली जब बायर आएंगे तो स्ट्रांगली बायर किसी के लेवल पे सपोर्ट पे आएंगे, तो जैसे इसके सपोर्ट पे बायर आए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो देखो एक ट्रेंगल फॉर्मेशन भी बन रहा है। रीड करना सीखो, मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें पहचान जाओगे तो आपको ये नहीं। अब स्विंग देखिए ऊपर की स्विंग यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गई, अब नीचे आई तो ये देखिए इस पूरे ट्रेंगल लाइन पे है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ से नया स्विंग ऊपर की तरफ बनाता है और यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाती है, तो आपको ये तीन चार चीजें जब मैच करेंगे तो वहीं पे एक्ट कर देना है, ठीक है। वहां पे जैसे ब्रेकआउट हुआ एक्ट कर दिया, अब इसमें क्या है कि अब क्या है इस वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके नीचे नहीं जाएगी जब तक, तब तक मार्केट गिर ही नहीं सकती, क्योंकि अब उसको सप्लाई उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं। तो उसके बाद में जैसे ऊपर गई, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था तो ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेट की भाग गई। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में क्या है कि रेजिस्टेंस पे तो यहाँ कॉल मिल जाती है, सपोर्ट पे मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कॉल आपकी गलत हो जाती है। अब ये ऊपर इंजेक्ट हुआ, अगर ब्रेकआउट करते ही बाय करते तो गलत हो जाता है, लेकिन स्विंग में फायदा ये है कि आपकी एंट्री शॉर्प होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्विंग गया हाई, तो यहाँ पे अगर उसकी मोशन एक्सपायर्ड हो जाती है तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलाउ नहीं करता आपको ट्रेड करने के लिए। लेकिन स्विंग क्या है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं।
जैसे ये नीचे की तरफ सप्लाई इंजेक्ट हो गई और उसके बाद आप नीचे देखोगे बाकी चीजें कि अगर आपको सीधे परमिशन मिल रही है तो आप क्या करोगे कि जैसे ही यहाँ पे सेल भी कर सकते हो और जैसे ही इसको बाय करे तो ब्रेक भी करे बाय भी कर सकते हो। इसीलिए मैं बोला कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम नहीं लगाना। तो इस तरीके से ट्रेड की पहचान करना है कि जैसे ही वो नया हायर हाई कोई लगाएगा तो आपको इस तरह से पहचान करना। अब इसमें देखिए जैसे सप्लाई डिमांड को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये बहुत सा बड़ा कैंडल बना और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बना उसके बाद में देखिए यहीं पे सप्लाई इंजेक्ट हो गई। अब क्या है कि अब देखो अब ये रिवर्सल लेगा तो कितना रिवर्सल लेगा, अगर बुलिश ट्रेंड है तो ट्रेंड लाइन को फॉलो करो ना, आपका टारगेट दोनों साइड से डिसाइड होगा। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे लगा लो, अगर उल्टा सेल करो तो इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, नीचे अगर बाय करो तो इसके हायर हाई के ऊपर जाएगा। ये दो मैकेनिज्म के हिसाब से आपको रखना है। दूसरा देखिए यहाँ पे बना तो ये लौटा, तो आप ये सोचो कि मैं 15 मिनट में लगाया हूँ, 15 मिनट की एक कैंडल ही ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा दे सकती है। तो इस तरीके से आपको ट्रेस करना है, स्टॉप लॉस छोटा ही रखना, इनकेस अगर कोई गलत बन जाता है तो उसके हिसाब से, इनकेस अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो ऐसे केसेस में ट्रेड को अवॉइड दिख नहीं रहा है। और देखिए ये मैकेनिज्म को पढ़ते रहना है। देखिए जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे बाय इंजेक्ट हो गई, तो उसी हिसाब से देखिए इसमें भी बाय इंजेक्ट हो गई तो इसमें भी बाय, तो आपके ट्रेड बस इसी हीटिंग पॉइंट्स पे होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वो सेल करेगा तो सप्लाई के बाद में अगर उसकी डिमांड ना इंक्रीज हो तो एक्ट करो सेल साइड में, और अगर डिमांड के बाद में सप्लाई ना इंजेक्ट हो पाए तो एक्ट करो बाय साइड में। इस डायग्राम से इतना ही, और यही चीज आपको स्विंग का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है। डेली ट्रेंड के हिसाब से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पे दे देते हैं, बस जल्दी से टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जैसे मार्केट में डेली ट्रेंड समझो, ये वन डे की कैंडल है सब, तो ठीक है डेली ट्रेंड के हिसाब से लिया गया है, तो आप इस पार्ट को देखो जैसे डिमांड सप्लाई में पढ़ाया हूँ, तो डेली में भी आपको यही चीज ध्यान देनी होगी कि जहाँ पे पहले दिन डिमांड इंजेक्ट होगी वही दिन ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है टर्निंग पॉइंट होता है। अब उस टर्निंग पॉइंट के आगे आने वाले 2-4-6 दिन में मार्केट उसी रेशियो में भागेगी, तो ये चीज़ आप डेली बेसिस पे ट्रैक करोगे। तो आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना कि कैंडल पहले डेली ही देखो, तो जैसे बेरिश अगर बन रही है तो आपका प्राइमरी गोल है कि भाई चलो अभी हम इसमें सेल साइड प्लान करेंगे, या गिर भी रही डेली ट्रेंड तो उसके बीच में बाय भी कर सकते हो इंट्राडे के हिसाब से, वो अलग कंडीशन होगी। मेरा मुद्दा ये है कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ऑफर वो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वो ये है कि पहला डिमांड सप्लाई जहाँ से टर्न होता है, यहाँ पे डिमांड इंजेक्ट हुई तो इसका मतलब है कि इतने दिन सप्लाई हुई है तो अब कुछ दिन तो डिमांड होगी, यानी कि अगर 10 दिन मार्केट गिरा है और उसके बाद डिमांड इंक्रीज हुई है तो 5-6 दिन तो ऊपर जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक हिडन कमांड मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक डायरेक्शनल वैल्यू ये मिल जाएगी कि आने वाले दिनों में है, तो ये पहले दिन तो आपका औसम जाएगा क्योंकि इंट्राडे भी भागेगा होल्डिंग वाला भी भागेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जहाँ से वो सप्लाई में जाएगा डेली बेसिस पे, तो अगर ये 5-6-7-8 दिन गया है डिमांड में तो फिर 4-5-6-7 दिन आएगा, तो वहीं से आपको अगर फ्यूचर में करते हैं तो वहीं से पोजीशन बनाइए, और इंट्राडे में करते हैं तो उसी सिचुएशन से बनाइए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि देखो अगर आपको सेल साइड में बैठना है तो जहां से सप्लाई ज्यादा हुई वहीं पर बैठने में सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट चाहे फ्यूचर में 10 दिन गिर जाए, 15 दिन गिर जाए, चाहे ऑप्शन में आप पूरी वीक के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन जहां पे ये डिमांड इंजेक्ट होती है उसी दिन के आसपास आपको बाय साइड प्लान करना चाहिए। बीच में अगर ये कहीं ऊपर नीचे चलती है तो फिर आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना चाहिए। ये स्विंग के हिसाब से अगर बीच में चलती है तो फिर आपको दूसरे हिसाब से देखना है। इसमें दो ही की इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम को बनाने के लिए, पहले दिन जहां पे सप्लाई इंजेक्ट होती है और पहले दिन जहां पे डिमांड इंजेक्ट होती है, उसी के टर्निंग पॉइंट पे आगे की आपको जो है तो डायरेक्शनल वैल्यू, तो उसी के हिसाब से आगे की डायरेक्शनल वैल्यू आपको तय करनी होगी। तो देखिए मार्केट बस इसी फॉर्म में चलेगी कि जैसे ये इतने दिन गिरी तो उसके बाद में क्या हुआ, देखो ये बुलिश हुई तो फिर उतने दिन बुलिश ही रही, तो इसमें आप देखो कि जहां जहां पे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, नॉर्मल बुलिश है, फिर यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन में आई तो फिर वो गिरती रही। अब बीच में जैसे ग्रीन कैंडल बन रही तो ये तो फेक है, तो हम कल पढ़ा चुके हैं कि ये ग्रीन कैंडल भी बेरिश है और रेड कैंडल भी बुलिश है, वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि जैसे फिर यहाँ पे डिमांड जिस दिन पहले दिन इंक्रीज हुई उसी दिन फिर 4-5 दिन आगे जाएगी, तो इस चीज के हिसाब से स्विंग ट्रेंड का प्लान कर सकते हो कि मार्केट में हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया। तो इसने ये सिद्धांत उसी तरीके से डेली बेसिस पे भी काम करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रीमियम भी डिके हो जाता है, लेकिन जो फ्यूचर करते हैं चाहे वो कमोडिटी हो, गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो बैंक निफ्टी निफ्टी हो, उनके लिए ये चीज़ बहुत औसम है, क्योंकि वो अपना आगे का प्लान कर सकते हैं, कई दिन का 2-4-6 दिन का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्या मार्केट ऐसे चलेगी, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे हमने दे दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बस समझना है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म की जैसे हमने बात बताई तो बना सकते हैं, और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर ऑप्शन में करते हैं तो टर्निंग वाले दिन में इंट्राडे में काम जरूर करो, क्योंकि वहाँ के आने वाले दो दिन में फोर्स मोमेंटम होगा। अब ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट को पहचान करना है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट में जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसी तरीके से नहीं चलेगा।
चलेगी। तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी होंगे, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन मैं पहले ही दूर कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपका जो है वो ये होगा कि मार्केट को साइडवेज और ट्रेंड से दोनों से अलग कैसे पहचाने। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या है। तो बस यही दो चीज़ ध्यान देनी है इसमें, आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि अगर मार्केट डेली बेसिस पे बुलिश है, कैंडल को पहचान लो, इस तरीके से चलती है, उसके बाद एक टर्न होती है, तो जहाँ से सप्लाई इंजेक्ट होगी तो फिर आगे बेरिस गिरेगी। यानी कहने का मतलब है कम से कम 5 या 5 दिन से अधिक एक डायरेक्शन में चले, उसके बाद टर्न हो, तो ये बात सही है। तो आप कितना भी बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि जहाँ पे मार्केट 5 से 10 दिन 8 दिन 7 दिन ज़्यादा दिन इस तरह से गिरती है, जहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग एक्टिविटी नहीं होती है, कैंडल हरी कैंडल या लाल कैंडल की बात नहीं, ये देखिए पूरा सेलिंग पार्ट है, उसके बाद जब यहाँ पे डिमांड जिस दिन इंजेक्ट होती है तो उसके आने वाले कुछ दिनों में सीधे मार्केट उसी रेशियो में चलेगी। तो ये तो हो गया ट्रेंडिंग। अब साइडवेज का मतलब ये है कि 5 या उससे कम दिन, मतलब 2 दिन बुलिश चली, 2 दिन नीचे बेरिश चली, 2 दिन फिर बुलिश चली, 2 दिन फिर बेरिश चली, तो ऐसे में क्या होगा कि हम शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि मार्केट आज गिरी, कल बेरिश हुई, परसों 2 दिन ऊपर आ गई, तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू डिसाइड नहीं होगा। तो मार्केट जब भी चौपी चलेगी इस तरीके से तो आपको नहीं करना है। इसका सिंपल तरीका हमने बता दिया, कम से कम 8 से 10 कैंडल या 5 से 5 कैंडल से कम से कम ज्यादा कैंडल एक तरह से हो, उसके बाद टर्न ले, तो वहां पे आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो इस तरीके से ये गलती नहीं करनी है कि जो साइडवेज मार्केट है इसमें आपको एक्ट नहीं करना है, और ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान करना है कि लगातार इस तरह से बुलिश क्लोज हो। अब जैसे मान लीजिए बीच में साइडवेज हो गई, फिर लगातार 5, 7, 8 दिन बुलिश गई, उसके बाद टर्न लिया, तो ये ठीक बात है ना, इस तरीके से पहचान करना है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बता दी। मैंने चार्ट को ओपन किया है और सीधे आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो ऊपर देख सकते हैं कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखिए लगाया हुआ है, और ये निफ्टी जो है निफ्टी 50 इंडेक्स को मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। तो जो टॉपिक है वो सपोर्ट पे कैसे काम करेगा, रेजिस्टेंस पे कैसे काम करेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक रेजिस्टेंस की सिचुएशन लेते हैं, अभी देखिए 2-4 दिन की सिचुएशन लेते हैं ताकि आपको ट्रैक कर पाओ। तो जैसे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए है मार्केट, जैसे अभी हमने बुलिश में बताया था तो रेजिस्टेंस जा रही, तो हमें क्या देखना है कि डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई कहाँ पे प्रोमिनेंट एक्टिविटी हुई है। तो जैसे इस केस में आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा जूम जूम करके समझा देता हूँ, तो इस वाले केस में आप देखेंगे तो ये जो चारों कैंडल है, जैसे हमने कल रेड और कलर के बारे में बताया था कि जो ये रेड है ये बुलिश मानी जाएगी, तो आप देखोगे कि यहाँ तक मार्केट बुलिश है, इस पार्ट में सप्लाई यहीं पे इंजेक्ट हो गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ हो या हो सकता है ऊपर हो, लेकिन फ्लो को आप ट्रैक करोगे ना कि ऊपर गया और यहाँ पे मोशन एक्सपायर्ड हुआ, तो इसका मतलब सेलर इंजेक्ट होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर इंजेक्ट हुए यानी कि सप्लाई बढ़ गई, तो आपको इसके हायर हाई के जो डिजिटल लाइन हमने पढ़ाई थी ना, हर जगह देखिए वही काम आएगी। ये इसकी है डिजिटल लाइन, और इसके जो अंदर की है ये इसकी है प्रॉक्सिमल लाइन। तो जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन के अंदर आए तो देखो मार्केट गिर गई कि नहीं, तो इस तरीके से आप ट्रैक करो। उसके बाद में आप देखोगे कि अब लेवल भी देखोगे कि डाउन फॉर्मेशन में चल रही है, तो हमारा जो है तो ये लेवल हो, यहाँ पे ये लेवल, इस तरीके से ध्यान देना, ठीक है, ये लेवल राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वहीं पर अपॉर्चुनिटी, जैसे ये हाई गैप अप खुल गया तो गैप अप गैप डाउन पे कंट्रोल है नहीं, लेकिन हमें लेवल के अंदर ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से हम लाइन लगा लिए हैं और अगर ये गैप अप खुल भी गया है तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं, फिर वो दूसरी कंडीशन होगी स्विंग की। कंडीशन क्या है कि जैसे ये गया अब डाउन फॉर्मेशन में है, तो यहीं से जब ये रिट्रेसमेंट लेगा तो इसका मतलब ये है ये वाली कैंडल देखिए यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हुई है, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए। अब इसमें क्या है, तो ये डिजिटल लाइन तो ये ऊपर हो गई और ये जो है तो ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल है क्योंकि पहला कैंडल है 15 मिनट का। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर आएंगे तो बायर आएंगे और इसके नीचे तो सेलर ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट गिर गई है, तो लाइन को भी लगाना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे सप्लाई देखो ना कि सप्लाई यहाँ पे इंजेक्ट हुई है, तो उसके बाद में ये भी बेरिस है, ये भी बेरिस है, ये भी बेरिस है, यहाँ पे ये बुलिश हुआ है, लेकिन जब सप्लाई प्रोमिनेंट एक्टिविटी में है तो फिर बाइंग करने कोई मतलब नहीं है। तो कॉल कहाँ कहाँ पे बनाना है, बस ये आपको ध्यान देना है कि ऐसे लेवल पे जो किसी पे सपोर्ट या तो कॉल कहाँ बनाना है वो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बेरिस में हर वही पॉइंट पे जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सप्लाई इस वाले लेवल में इंजेक्ट हो गई और उसके बाद सप्लाई देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ी है, तो इसके बीच में कोई भी बुलिश सेंटिमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर बना, ये हैमर फेल हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी ऊपर से प्रोमिनेंट एक्टिविटी में आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब इस केस में ये हो जाएगी इसकी डिजिटल लाइन, सॉरी इस केस में आपको ये देखना है कि ये जो है इसकी ये हो जाएगी डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन, और ये हो जाएगी इसकी जो प्रॉक्सिमल लाइन। तो इसके बाद में जैसे आएगी तो यहाँ पे सेलर अटैक करेंगे, तो आप बस उस हायर हाई की तो आप बस इस तरीके से आपको कॉल ढूंढनी है कि जहाँ पे वो फ्लो उसका खत्म होगा और उसके उल्टा चलेगा तो वहीं पे आपको ट्रेड लेना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट लेवल पे कैसे काम करता है। और एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर दें जो आपको कन्फ्यूज कर सकती है, और वो ये है कि जैसे कि कोई हमारी लाइन होगी
और उस लाइन के ऊपर, मान लीजिए उस लाइन के ऊपर कोई ओपन हो जाती है गैपअप या कोई ऐसा लेबल होगा इस तरह से टेन लाइन होगा और उसके नीचे, तो इसकी जो कंडीशन है वो दूसरे साइकोलॉजिकल रूप में हम पहले बता चुके हैं। दूसरी चीज़ें क्लियर ये कर देते हैं कि जैसे पहला कैंडल क्या होता है, कभी नीचे खुला कभी, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कैंडल बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे, हम उस पॉइंट का वेट करेंगे जहाँ पे सप्लाई और डिमांड, मतलब जैसे कि ऐसे केसेस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे पॉज लिया, मतलब देखिए जो ये बना है हैमर टाइप में, इसमें बायर एक्टिव नहीं हो पाए, फिर अगेन सप्लाई स्टार्ट हुई, तो इस तरीके से हम छोटी कैंडल का स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। दूसरा नीचे साइड में भी यही हम ध्यान देंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो हम इसके लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले हैं, हम वेट करेंगे कि इसके बीच में कोई पॉज ले रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन जब जाएगी तो रेड कैंडल के लोअर लो को स्टॉप लॉस करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसमें फिर जैसे कि हमने पढ़ा ना कि अगर गैप डाउन खुलेगी ऊपर भागेगी बाय करना, तो उस हिसाब से ट्रेड करो ना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपको उस पॉइंट पे ट्रेड लेना है जहां पे जाके उसकी एक्सपायर हो जाएगी, ओपन होते ही भाग रही तो ये दूसरा मतलब हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखिए उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही सपोर्ट करेगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे इस तरीके से आया तो यहाँ पे सेलिंग में आपको एक्ट कर देना है और इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, आप सपोर्ट टाइप में अगर हम बात करें तो पिछले एक दो दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए स्विंग का मतलब हायर हाई है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो ये हाई है, हाई पॉइंट है और उसके अनदर एक और नया हाई बनाता है, तो ये अच्छी और बहुत ही गुड सिचुएशन है, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस मिलने वाले हैं नहीं, तो मार्केट में जब भी नया हाई होगा, नया स्विंग बनाएगा उसके बाद लौटेगा तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको बस साइकोलॉजी को भी ध्यान देना है। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें कि मान लीजिए किसी सपोर्ट पे है, तो अगर हम बात करें कि बुलिश लेवल में है तो कैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो पहली इंजेक्ट होती है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं बुलिश फॉर्मेशन में, जैसे ये वाली कैंडल, ठीक है, तो ये ठीक है क्योंकि देखो ये इसने इसके लोअर लो को तोड़ दिया, तो हायर हाई को तोड़ेगी, लोअर लो को तोड़ेगी, टर्न करेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये पता हो जाता है ना कि ऊपर भी स्टॉप लॉस नहीं है, अब नीचे भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो जिधर स्टॉप लॉस नहीं होंगे उधर मार्केट जाएगी नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिए जो है डिमांड इंजेक्ट हुई तो ये चीज़ आपके लिए सही थी, यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हुई तो ये चीज़ आपके लिए सही थी। ये आज ही का चार्ट है, अब आप देख सकते हो ये टॉपिक में बना रहा हूँ और अभी मैं इसको अपलोड करूंगा शाम को 8-9 बजे तक, तो आप ये देखो कि ये वाली कैंडल, मतलब इसके बाद में देखो यहाँ पे अब बायर यहाँ पे नहीं आए और सेलर आ गए, और जो टॉपिक कल पढ़ाया था उसके हिसाब से 15 मिनट में आप देखो तो यहाँ तक पूरी मार्केट जो है तो आपको बेरिश फॉर्मेशन में दिखेगी और यहाँ पे बराबर क्लोज हुआ, लेकिन वो कंडीशन ये थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, तो इनके हाई लो का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट होते ही एक अच्छा मूव नीचे की साइड में हुआ। लेकिन उसके बाद में आप देखो कि मार्केट जहाँ से टर्न होती है, साइकोलॉजी समझो कि जैसे इसको गिरना था तो आप सोचो कि ये गिर रही थी तो ऐसे क्यों नहीं गिर गई, सीधी सी बात है गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि एक बार तो ये ऊपर जा करके जो यहाँ पे साइकोलॉजी है, जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, उसके बाद में जब सब लोग यहाँ पे निकल जाएंगे सेलर डर के मारे कि अभी ऊपर ही भाग जाएगी, उस कंडीशन में डाउनसाइड मूव करेगा। इसी का जो उल्टा है नीचे होगा कि नीचे जब मार्केट में आपको लगेगा कि एकदम से मार्केट जो है तो नीचे गिर गई ठीक है, गिरी जाएगी, तो वही एक कंडीशन होती है कि मार्केट उसमें भाग जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज देखो, ठीक है, अब किसी लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट किए, उसके बाद ये डिमांड जब इंक्रीज हुई तो ये गुड सिचुएशन है, यहाँ पे उल्टा सारे लोग पार्टिसिपेट किए उसके बाद ये सप्लाई इंक्रीज हुई तो ये गुड सिचुएशन है, तो ये साइकोलॉजी भी थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस तरीके से आप देखो कहीं पे भी देख लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है आप इस लॉजिक को लगाएंगे तो आप उस चीज को ट्रैक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर गया टॉप पे स्टॉप गया, अब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है तो ये हमारी सप्लाई इंजेक्ट हो गई, अब ये गिरी पक्का, यहाँ पे देखिए टॉप एंड टॉप गया, यहाँ पे देखिए सप्लाई इंजेक्ट हो गई तो अब ये पक्का गिरेगी, और पूरी पूरी कैंडल्स यहाँ पे देख सकते हैं, आधे घंटे में लगाएंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी, ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे गिरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई इंजेक्ट हो गई तो अब ये पक्का गिरेगी, क्योंकि अब बायर इंजेक्ट कब होंगे वो होगी डिजिटल लाइन क्या होती है, डिजिटल लाइन ये होती है, इसके ऊपर बायर आएंगे तो अब यहाँ पे सप्लाई जैसे जैसे इंजेक्ट होगी वैसे वैसे लोग सेलिंग साइड में ही प्लान करेंगे, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी का बिहेवियर है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चौपी मार्केट चल रही और टॉप एंड टॉप पे गई, ठीक है, अब इसके ऊपर इसको स्टॉप लॉस नहीं मिले तो ये देखिए सप्लाई में इंजेक्ट हो गई, अब ये जो हमारी डिजिटल लाइन है इसके ऊपर ही मार्केट जाएगी। इतना आसान है ना कि आप अच्छे से इस चीज को समझ के अप्लाई करके प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखिए जैसे ऊपर भागेगी टॉप पे गई, उसके बाद देखिए यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हो गई, अब ये ऊपर नहीं जाने वाली, अगर ये बॉटम में गई और डिमांड इंजेक्ट हो गई तो अब ये नीचे नहीं गिरेगी, देखिए यहाँ डिमांड इंजेक्ट होगी नीचे नहीं गिरेगी, यहाँ डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो सप्लाई डिमांड जहां पे इंजेक्ट हो जाती है उसके हिसाब से ही मार्केट का व्यवहार हुआ, इसमें टाइम दिन का कोई मैटर नहीं है, और टॉप से ही गिरेगी और बॉटम से ही भागेगी। अब यहाँ पे देखिए मैं 10-15 दिन का ही दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हुई, यहाँ पे देखिए सप्लाई थी, उसके बाद में देखिए सप्लाई आ गई, तो यहाँ पे मार्केट को ऐसे गिरना चाहिए, ठीक है, जैसे कि अभी बाकी चीजों में
में देखे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर चली गई। तो आपको बस ये ध्यान देना है गलती को कैसे आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए आप इस चीज़ को पहचान करके यहाँ पे सेल कर दिए कि चलो ये कैंडल बहुत बेरिश है, अब मार्केट में आपको ये अनुमान है कि नीचे गिरेगी। तो पहली बात है 15 मिनट की कैंडल है, तो जैसे ये कैंडल है ठीक है, ये उल्टा आपके लिए फिर डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो फिर नहीं बैठना है, ट्रेड में इमोशन बिल्कुल नहीं रखना है। अब यहाँ पे जब तक यहाँ पे डिमांड इंजेक्ट नहीं होती तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो। तो बस इसी तरीके से फॉलो करना है, कहीं पे भी आप देख लीजिएगा कितने भी दिन का, तो ये चलेगा टॉप एंड टॉप जाएगा और वहाँ पे जाकर के आपको क्या करेगा कि जहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट होगी फिर ये बायर नहीं आएंगे, क्योंकि कैंडल देखो बड़ा बनेगा फिर बड़ा बनेगा। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिमांड इंजेक्ट हो गई तो ये बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। तो ये 4-5 कैंडल बुलिश ही मानी जाएंगे। अभी लास्ट में थोड़ा बेरिश हो गया है, यहाँ पे सप्लाई इंजेक्ट हुई लेकिन तुरंत फिर यहाँ पे डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो गलती को तुरंत प्रोसेस कर लेना है बस, ठीक है। इस हिसाब से तो आपको स्विंग के हिसाब से करना ना, ये तो मैं कैंडल पढ़ाने लगा, लेकिन स्विंग के हिसाब से आप देख लो ठीक है, कहीं पे भी देखो तो वो चीज बहुत ही परफेक्ट काम करेगी। जहां पे देखिए इसमें देखिए ये सप्लाई है, सप्लाई है, ये ग्रीन कैंडल भी सप्लाई है, ये रेड भी सप्लाई है, ये सप्लाई है। अब ये देखिए पहली बार यहाँ पे डिमांड हुआ ठीक है, तो ये ऊपर गई ना इसके ऊपर स्विंग के हिसाब से, फिर ये देखिए सप्लाई हो गई तो यहाँ तक नीचे आई और उसके बाद फिर यहाँ पे डिमांड हो गई तो ये फिर ऊपर गई, फिर इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लाई प्रोमिनेंट थी, सप्लाई फिर प्रोमिनेंट थी और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड हुई तो एक घंटे ऊपर गई, फिर यहाँ पे सप्लाई आई उसके अगेंस्ट यहाँ पे फिर डिमांड हो गई। तो देखो जब भी ट्रेड बनेगा तो यार ये बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे देगा, कभी छोटा प्रॉफिट देगा, कभी एक आध बार स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन आप इसको पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं कि यहीं के मैं बता रहा हूँ, लोग कह देते हैं कि 2 दिन का दिखा दिया कुछ नहीं, आप कहीं का भी खोल लो, किसी भी दिन का खोल लो, क्योंकि देखो लॉजिक्स लॉजिक्स होते ना। आप देखो मैं अननेसेसरी किसी दिन का भी खोल देता हूँ, रैंडम खोल देता हूँ, कल एक कमेंट आया था कि जो दिखता है चार्ट में वैसा कहीं मार्केट में भी दिखे, तो आप लोग देख लो रैंडम में, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ ठीक है, ये नीचे की तरफ गिरा है, इस तरह से चला देता हूँ, कहीं पे रुकेगा और वहीं पे मैं दिखा दूंगा ठीक है, जहाँ पे रुकेगा वहीं पे एक बार दिखाई देता हूँ। देखो क्लियरिटी इज पावर, जब इस तरह की बारीकी मिलेगी, इस तरह क्लियरिटी, अब ये मुझे पता नहीं किस डेट का, सितंबर में हम लोग चले गए, लेकिन आप कहीं का भी देख लो, चलो यहीं पे दिखा देते हैं। देखो ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये रेड वाली भी बुलिश है, ग्रीन वाली भी बुलिश है, यहाँ तक बुलिश है, तो इसमें क्या नहीं देख पा रहे हो आप लोग। और ये देखो सप्लाई इंजेक्ट हो गई, फिर देखो मार्केट यहाँ पे गिरी, हालांकि यहाँ पे छोटी सी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है बारीकी से अगर आप ध्यान दें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपकी जो डिजिटल लाइन है वो ये है, तो इसमें बाइंग के लिए क्यों आप लोग पगला जाते हो, बस ये मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए गलती नहीं करनी है, और उसके बाद भी आगे का भी दिन देख लो, किसी भी दिन देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये है, तो देखो इसमें इसमें गया और डिमांड यहाँ पे इंजेक्ट हो गई, देखो ये बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पे सप्लाई आई है लेकिन डिमांड के नीचे नहीं आई, क्योंकि इसकी जो डिजिटल लाइन है ये नीचे है और इसकी जो हायर है ऊपर है। देखो मार्केट में हम पहले भी बताए ना कि एक बड़ा कैंडल इंजेक्ट होगा, उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लोगों को हटाएगा, लेकिन जो हमारी डिजिटल लाइन होती है उसके अगर नीचे नहीं जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो कैसे भी कहीं भी चेक करोगे तो वो फार्मूला पूरा काम करेगा बहुत ही यूनिक से। उसके बाद देखो बुलिश 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 बुलिश, तो इसको पढ़ने में आपको क्या दिक्कत है, फिर देखिए यहां बेरिश 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 बेरिश, फिर बुलिश बुलिश बुलिश, देखिए यहीं तक गई है। और जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेके अभी आपको समझाया था, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि जैसे यहां पे डिमांड सॉरी सप्लाई इंजेक्ट हो गई, फिर देखिए जैसे इस वाली कैंडल पे डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो इतना पार्ट ऊपर गया सप्लाई पे इंजेक्ट हो गई, तो इतना नीचे गया डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो इतना ऊपर गया। अब यहां पे सप्लाई इंजेक्ट हो गई, तो इतना नीचे गया डिमांड इंजेक्ट हो गई, तो इतना ऊपर गया। तो यार इससे इजी ट्रेडिंग क्या है, अब देखिए इसको क्या है, कैंडल पे जब ये कैंडल बन जाएगी तो क्या कोई रिपेंट वाला सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि जो ये बदल जाएगी। तो जब आपको यहां पे दिख रहा है भाई कि ये डिमांड इंजेक्ट हो गई है, मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, ये देखिए ठीक है, अब मान लीजिए लाइट चल रही है, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कैंडल क्लोज हो चुका है, तो अब आपको इसमें समझ में आ रहा है डिमांड इंक्रीज हुई कि नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइन है ये हमारी बनेगी डिजिटल लाइन, और इसी के नीचे डिपेंड होगा कि सेलिंग बिहेवियर ज्यादा होगा। अब उसके बाद में आप इसको ऐसे बढ़ाओ ठीक है, तो देखो अब देखो जैसे ये रेड बनी है, तो इस रेड पे क्या घबराना है, क्योंकि अभी भी ये बुलिश ही है ना, तो इसको ऐसे फिर बढ़ाओ, देखो अब देखो देखो ऊपर जा रही है, इसमें कहां से घबराहट आ रही है, उसके बाद में इसको फिर ऐसे बढ़ाओ। अगर मैं कहीं पे रैंडम मुझे चार्ट दे दो ना तो मैं पकड़ लूंगा तुरंत। अब देखो यहां पे गड़बड़ हो गया मामला, देखो ये ठीक थी, ये ठीक थी, और ये जो लास्ट वाला है ये गड़बड़ हो गया, लास्ट वाला देखिए कि यहां पे नीचे आ गया। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे यहां पे ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके आगे कैसी बनेगी, आप लोग कहते हो कि जो है तो यहाँ पे लाइव करो, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये मैं फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ ना, लाइव चीज़ें या फिर डेली एनालिसिस में दे सकता हूँ कि लो शाम को एक वीडियो बना दूँ कि भैया ये लेकर ये करो कल, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं ये फाउंडेशन डेवलप कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप करोगे ना, आप करो ना, जरूरत आपको करना, आपको हम तो कर ही रहे हैं ना। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं लाइव करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको देखो पढ़ो ठीक है। अब इसके बाद इसे रेड बन गई ठीक है, अब रेड के बाद में जैसे ये ग्रीन बनी तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, अभी भी देखिए ये ग्रीन जो है तो बेरिश ही मानी जाएगी, ये रेड भी बेरिश मानी जाएगी,
ये ग्रीन भी बेरिश मानी जाएगी, ये भी बेरिश मानी जाएगी, और ये कैंडल जो है तो बुलिश मानी जाएगी इन डिमांड परस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भैया लाइन जो है वो कौन सी है, वो है ये, ठीक है, ये देखिए ये है इसकी हायर हाई, तो इसका मतलब ये है डिजिटल लाइन। तो आपको ऐसी परिस्थितियों में बाय नहीं करना है जब तक इस वाले लाइन का कोई सेंटिमेंट ना बने। तो उसके बाद देखो वाओ, उसके बाद अगले दिन आ गया तो अगले दिन मार्केट नहीं उसी दिन का है सर, देखो गिर गया। अब देखिए जैसे ये गिर गया तो अब इसको चलाओ, देखो अब गिर गया तो अब देखिए यहीं से ये चला गया ना, अब इसके बाद बायर कहाँ है, और अगले दिन देखो गैप डाउन खुल गया, अब इसमें पहचान अब उसके। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देखते हैं उसके अगले दिन, तो बस इसी तरीके से आपको ट्रैक करना है। जैसे ये गई यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गई, बीच में यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाएगी, और कॉल को बाकी सारी चीजों में कहीं रेजिस्टेंस होगा सपोर्ट होगा वो चीज देख लेना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बायर इंजेक्ट हुए तो उसके बाद में देखिए यहाँ तक आपको पूरा स्विंग मिलेगा। तो इस तरीके से एक एक चला करके देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं कर सकते हो। देखो जैसे अगले दिन का देखो, मान लीजिए पहला बार बना, दूसरा बार बना, जा रहा सेल में, जा रहा अभी भी जा रहा, अभी भी सेल में जा रहा, अभी भी जा रहा। देखो एक एक बार मैं बढ़ा रहा हूं, रीड करा के दिखा रहा हूं, अभी भी बुलिश सिम्टम्स नहीं है। हाँ एक चीज और भी है कि भैया अगर कहीं पे एंट्री ले लोगे उसका स्टॉप लॉस टारगेट, तो कुछ तो डिसाइड कर लोगे कि हमें 10% चाहिए, 15% चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा कि जा रहा तो आप वेट करो फिर वो एकदम से भाग गया। तो वो चीजें तो आगे धीरे धीरे हम बताएंगे, लेकिन आप पढ़ो इसको, देखो पोजिशन को बनाओ और देखो। अब देखो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो अब ये देखिए यहाँ पे इंजेक्ट हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन टोटली कि ये ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है कि ना हो, और ये जो इसकी डिजिटल लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारा सिल्वर ट्रेड तो अच्छा काम कर गया ना, माइनस साइड में गया। तो अब क्या है, बायर कहाँ आएंगे इसके ऊपर ना, तो इसके बीच में क्यों एक्ट करना है, तो सेलिंग साइड में करो। अब देखो फिर सप्लाई ज्यादा हुई तो मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्लोजिंग देखो इसकी ग्रीन वाली की, जा नहीं पाई ऊपर और नीचे गिर गई। बस आराम से पढ़ते रहो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे इसके ऊपर सप्लाई गई तो यहां पे देखो डिमांड बढ़ रही। अब उसके अगले दिन देखो कहीं पे, अब ये सारी चीजें देखो अगले दिन भी देख लो यहाँ पे, ये देखो एक एक बार चला रहा हूँ तो ये देखो बुलिश हुआ, लेकिन आपको देखना है इन टोटली की ऊपर से गिर रही है। अब मान लीजिए कि अगर कहीं पे आपको लग भी जाता, ट्रैप भी हो जाती, तो यार ट्रेडिंग का पार्ट है, उसमें डरने की जरूरत क्या है। अब देखो आगे उसके आगे, अब देखो कहाँ पे आपको समझ में आ जाए, आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया बताओ इस चीज में, ये देखो यहाँ पे इंजेक्ट हो गई सप्लाई, ठीक है। तो अब ये गिरेगा ना फिर, अब अगर इसका हायर है नहीं तोड़ेगा, इसका सॉरी ये वाला जो है इसका डिजिटल लाइन का है, तो यहाँ पे इंजेक्ट हो गई सप्लाई। तो अब इसको आगे बार बढ़ाओ, देखो गिर गया, देखो वाओ देखो गिर गया, देखो अब ये बुलिश हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये बुलिश फार्म में चला गया, तो अब क्या हम बाय कर लेंगे, तो वो बहुत सारी और कंडीशन होगी ना, लेकिन अब चार्ट को पढ़ना सीखो। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप देखते जाओ, कहीं का भी देख लो, वैसे तो वीडियो में 5-6 घंटे का बन जाएगा, लेकिन आप देखते जाओ किसी भी चीज में, तो वो चीज मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी मिल गई होगी, और इस चीज को फॉलो करके आप देखो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। और ये देखो चलती हैं सारी चीजें, काम करती हैं, कहीं का भी चेक करोगे चीजें वही रहेंगी, सप्लाई इंजेक्ट होगी फिर बायर नहीं आएंगे, फिर सप्लाई इंजेक्ट होगी तो मैकेनिज्म पूरा काम करेगा। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने मुझे बहुत ही मेहनत लगती है और मैं पूरी आत्मिक रूप से आप लोग को सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सीखने वाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे, इसीलिए मैं ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। और डेली एनालिसिस या ये सब कुछ करके जो वो सब चीजें होती है वो नहीं कर रहा हूँ, फाउंडेशन पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब आप लोग को प्रॉफिट आ रहा है यही मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ टॉपिक ऑसम था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्विंग अगर भागता है दूसरे के हाई, अगर इसके हाई जहाँ पे उसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, जैसे ही सप्लाई इंजेक्ट होगी आप वहाँ पे एक्ट करोगे और अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पे और मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम चैनल बना लो, तो मैं न्यू ईयर तक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक ट्रेडर हूँ तो मेरा जो टाइम रहता है 9:30 से 8:30 बजे तक, तो ये मार्केट में ही जाता है, इसलिए कल मैंने वीडियो डाला था, आज नहीं डाला, अभी मार्केट के बाद ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं सुबह टेलीग्राम पे कोई लाइव या अपडेट इस तरह से डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है और ना ही मैं इस तरह से कोई चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि फाउंडेशन को डेवलप करना, तो इतने ही वीडियो मैंने डाले हैं लेकिन लोग प्रॉफिट कर रहे हैं ना भैया, तो आप भी वहाँ पर प्रैक्टिस करो और प्रॉफिट करो, क्योंकि इतने प्रीमियम कॉन्टेस्ट आपको लाखों रुपये में भी पेड में नहीं मिलेंगे, लोग कितने कितने पैसे दे देते हैं। तो अब एक और दो कमेंट ऐसे थे कि जो मुझे यहाँ पे रिप्लाई करते रहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर आपका उद्देश्य क्या है, अकाउंट भी नहीं ओपन करा रहे हो और ये भी नहीं कर रहे हो, कोर्स भी नहीं बेच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपका मकसद क्या है। तो दोस्तों देखो क्या है ना कि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि इसको शामिल करके कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, और अगर ये एजुकेशन से उसको दूर रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो किसी भी देश की स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां के लोग किस फील्ड में कितना एजुकेटेड है। अब ट्रेडिंग फील्ड में अपना जुगाड़ू देश है, भारत देश तो जुगाड़ू का है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लालच और वो गैम्बलिंग वाला काम करते हैं। तो इससे क्या होती है, विदेशी जो होते हैं ना, FII आपने नाम सुना ही होगा, तो वो सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट करती हैं और ट्रेडर से मोटा पैसा लेके जाती हैं। अगर ये एजुकेशन मैं यहाँ पे फ्री कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने
यहाँ पे एजुकेशन को फ्री किया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लक्ष्य है कि एक साल में कम से कम 1 लाख लोगों को मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर दूंगा और 1 लाख लोग मेरे कंटेंट को देख करके ट्रेडर बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ आएगी, तो हम लोग जाके US मार्केट में और बाहर जाके इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा लेके आएंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा लेके आएंगे, करेंसी ट्रेडिंग से पैसा लेके आएंगे, तो इंडियन लोग बाहर लोगों से पैसा लेके आएंगे क्योंकि एजुकेशन जरूरी है। दूसरी बात यह है ना कि जो ट्रेडिंग में सिखाने का चार्ज है वो काफ़ी महंगा यहाँ पे है, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो टैलेंट है वो कभी भी ऊपर आ नहीं पाता है। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि देखो क्या है कि मैं कितना कमा लूंगा बेच के कोर्स के, तो वो तो सिर्फ मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा ना। तो दोस्तों बस यही उसका आंसर यही है, क्लियरिटी यही है कि भाई देखो अगर हम लोगों को क्रिएट करेंगे 1 साल में 1 लाख ट्रेडर को, लोगों को ट्रेडर बना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की पोटेंशियल, हमारे देश की समझ और लोगों की समझ बढ़ेगी ना। अब देखो जो लोग आ रहा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जा रहा है, अभी देखो हर दूसरे दिन में डबल हो रहा है, अभी 1,000 थे, 2,000 थे, 4,000 हुए, 6,000 हुए, परसों 5,000 थे, 8,000 हो गए, अभी 9,000 हो गए। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य मेरा है 10 लाख लोगों को जोड़ रहा है 1 साल के अंदर, तो इस 10 लाख लोगों में से मैं 1 लाख लोगों को ट्रेडर बनाऊंगा फ्री में। तो ये मेरा गोल है, बस मैंने बोला था पहले की वीडियो मेरा गोल है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई डेली एनालिसिस ले लो या फिर ये लाइव में ले लो, क्योंकि ये सारे कंटेंट क्या है एक दिन के बाद एक्सपायर्ड हो जाएंगे। जैसे आज डेली एनालिसिस है तो उसके बाद फ्यूचर में उसका क्या काम होगा, कोई काम नहीं होगा, तो कौन वीडियो देखेगा उसको। मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ उसके बीच में कोई इस तरह से और चीज़ें नहीं डालने वाला, क्योंकि मेरा एक सुपीरियर कंटेंट है। तो यहाँ पे लगातार कोई आएगा तो एक देखेगा, तो जो चीज़ें देखेगा उसके यूज की मिलेंगे ना कोई भी टॉपिक। और दूसरी चीज़ है कि मेरा जो विजन है, मेरा माइंड मेकअप ये नहीं कि ये वीडियो 1 साल चलेगा, जो वीडियो मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो आगे 20-30 साल तक वो वीडियो चलेंगे ना, इस पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो पिछले 10-20 साल से चल रहे हैं, तो एक मतलब आगे भी 10-20 साल से चलेंगे जो जो चीज़ें पढ़ाया हूँ। तो मेरा वीडियो का पर्सपेक्टिव 1-2 महीने, 4 महीने या कोई स्ट्रेटजी का है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। तो ये न्यू मजबूत करूंगा जब भारत में, तो यहाँ से लोग प्रोड्यूस होंगे। और 1 लाख लोग कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर 10 लाख लोगों को हम जोड़ पाएंगे तो 1 लाख लोग तो उसमें से ट्रेडर बन जाएंगे ना। फिर हम लोग जाएंगे बाहर करेंसी, US मार्केट या वहाँ, तो उससे क्या होगा अपने देश की GDP और दोनों चीज़ें मजबूत होंगी। तो मुझे ये लगा कि इस चीज़ों को करना चाहिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी हर्टिंग बात मेरे लिए थी कि यार यूट्यूब पे ना बहुत तनाव है ना, जिन लोगों के पास कोई टैलेंट है वो लोग बहुत भाव खाते हैं, तो इसलिए क्या होता है रिटेल इंडस्ट्री बेचारा वैसे भी कोरोना गरीब है और वो गरीब हो जा रहा है। तो दोनों बस उद्देश्य यही क्लियर है। और आप लोग को बात है कि अकाउंट ओपनिंग हो ये सब चीज़, तो यार वो तो हम कमा लेंगे ना, आपसे कभी गुरुदक्षिणा ले लेंगे। अगर आप कमा रहे हो तो आपको हमें देने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ट्रेनिंग आजीवन जो हमने बोला शिक्षा ये फ्री ही रखूंगा, ताकि कोई भी पैसे की वजह से ये ना बोल सके भारत में कि हम ट्रेडर नहीं बन पाए, तो वो मेरे चैनल पे आए उसको ट्रेडर बने। ठीक है, बस यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।